नासरीन आदाब, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मकदम है। जो काम भारी तनख्वाहें हासिल करने के बाद ट्रैफिक पुलिस अहलकारों को अंजाम दिए जाने थे, वो काम आवाम को अंजाम देते हुए देखा जा रहा है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके विजयनगर कॉलोनी में ट्रैफिक जैम का मसला आवाम के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ ही भारी ट्रैफिक जैम के मसाइल से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है। आवाम घंटों तक गाड़ियों की कतारों में ट्रैफिक क्लियर होने के मुंतज़िर नज़र आते हैं। यहाँ पर कोई ट्रैफिक अहलकार कभी मौजूद ही नहीं होता है, हर बार यहाँ का यही आलम देखने को मिलता है। आज भी पिछले 3 घंटों से यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम का मसला आवाम को सता रहा है। ट्रैफिक जैम होने की वजह से एक एम्बुलेंस भी इसी भीड़ में फंस चुकी थी, लेकिन कोई ट्रैफिक अहलकार वहाँ पर पहुँच कर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भी मौजूद नहीं था। पुलिस जो कि सिर्फ चालानात और ड्रंक एंड ड्राइव के ज़रिए अपने रोज़ाना का कोटा मुकम्मल करते हुए हुकूमत के ख़जाने भरने की ही फ़िक्र में लगे हुए रहते हैं, आखिर कब यहाँ पर मुकामी लोगों को राहत मिलेगी और कब यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर ट्रैफिक अहलकारों को तैनात करते हुए आवाम के लिए राहत पहुँचाई जाएगी। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद आवाम ने ही हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक को क्लियर किया और फिर एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता बनाया और एम्बुलेंस को आगे निकलने के लिए सहूलत फराहम की। वहाँ के मुकामी लोग बार बार यही गुजारिश करते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर ट्रैफिक की बहाली के लिए ट्रैफिक पुलिस अहलकारों को तैनात किया जाए। पेश है इस खसूस में चंद मनाजिर Z9 उर्दू न्यूज़ के साथ। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो ज़रूर करें।